क्या हुआ, सो रहे हो क्या? वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। मैंने दो दिन से आंखों में काजल नहीं लगाया है और मम्मी ने भी नहीं लगाया क्योंकि हम दोनों कहीं नहीं गए दो दिन से। तबीयत खराब है दोनों की। सुबह सुबह चाय बनाने के लिए मैडम जी को उठाया है। इतने मैं सोचूं कि मैं नहा आऊं, क्यों डिले करूं नहाने के लिए, लेकिन जब तबीयत खराब हो तो आदमी को कुछ करने का मन नहीं करता। रात को भी पेट में बहुत दर्द हुआ, फीवर चढ़ गया, आंखें चढ़ गई, नजर उतर रही है। कितना अच्छा लग रहा है दो दिनों बाद काजल लगा के। तो जो चेंज की मैं बात कर रही थी, मैंने अपनी गोल्ड की चेन उतार दी, हमारी कुल देवी है तो मैं वहाँ से लेके आई थी, अभी दो दिन पहले गई थी, तो ये हनुमान जी के गधे वाली है। तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके देखते हैं, क्या पता मुझे वो सूट ना कर रहा हो क्योंकि फिलहाल दिक्कत हो रही है थोड़ी सब जगह पे। वाह कितनी अच्छी लग रही है, नहा धो के तैयार हो गई। मेरा टमी बाहर आ रहा है, थोड़ा सा बाहर आ रहा है टमी। तो चलते हैं चाय की तरफ। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये पहन के, मतलब मैं चाहती हूँ कि कुछ तो इफेक्ट हो। मतलब होता है, ऐसा होता है कि आप कुछ बदल लो तो आपके लाइफ में थोड़ा चेंज आ जाता है, तो शायद कुछ बदलाव ही आ जाए। तो आप सब लोग खुश रहो, अपने घर में बहुत तरक्की करो, दिवाली आने वाली है, सब अपने अच्छे से दिवाली मनाओ। और हम बाहर जाते हैं, वहाँ भी 10-20-30 रुपये फालतू ही दे के आओ ताकि अगले वाले की भी दिवाली बहुत अच्छी बने। सारे बोलो जय भगवान जी, जय। तो हमारी चाय बन चुकी है और मैं सबसे ज्यादा लेट हूँ। नंगा बैठा है, मुझे मैं बोलो दीदी मुझे मत दिखाना। तू तो लड़का है गुड्डू, तू तो दिखा सकते अपने आप को नंगा, तेरी तो बॉडी भी है। एक देखो कितनी सही लग रही है, ऐसे देखो। ऐसा है मैं 3 महीने भी नाना हूँ ना, तब भी आपसे सुंदर लगूंगा। मम्मी आप हंसती क्यों हो मेरी बेइज्जती पे? तो ये चाय है, मेरी ब्रेड, ये मेरी ब्रेड है। ढीले ढीले लोअर ले आती है और फिर सरकाती रहती है, टाइट से पहने जाती नहीं है। मैंने जाती मेरे पेट में कुछ भी लगे, ये लाती रहती है इसको बेचारी। यार आईपैड तो उसी कमरे में रह गया, मम्मी आईपैड लाना पड़ेगा, बिना शिनचैन देखे कैसे खाएंगे। घर लाएगा, घर तू जाएगा, तू लाएगा आईपैड। मैं भी करूँगी, हम दोनों दिख रहे, मेरी ज्यादा होगी ना। ये गुड्डू मैंने कहा था बॉडी दिखा लेकिन शक्ल अच्छी बना, क्या होता है ये? लड़कियां मरती हैं। अबे आके तो खोल ले, एफ करने पे आके तो खोल, मुझे खुद नहीं दिख रही तेरी आंखें, इतनी तो छोटी नहीं है जितनी तूने बना रखी है। कुछ आप मुझसे बात करो बस, मेरी सिर्फ वैसे भी मम्मी है, मेरा कोई नहीं और इस दुनिया में। इसको तो मैंने अभी सुबह, इसको मैंने अभी सुबह व्हाट्सएप से अनब्लॉक करा है, और तुझे पता भी नहीं था ना इतने दिनों से ब्लॉक कर रहा था, तुझे मैसेज ही नहीं करा, मैसेज ही कहीं और जा रहे हैं तेरे आजकल। ये रहा मैसेज कर रखा है, रुक जाओ, आप होनी बदतमीज। मैंने तो ब्लॉक कर रखा था ना, मुझे पता है ब्लॉक कर रखा है आपने, फिर भी शिकायत नहीं करी। खेलो फिर भी शिकायत नहीं करी, दो गई चलोगी आज स्कूटी सीखने, कल का भेज रखा है, अरे हो जाओ तैयार, ये भी भेज रखा है। हाँ तो पूछा क्यों नहीं दीदी, गया क्यों नहीं मैसेज, फर्क नहीं ना पड़ता। गो टू हेल, आपका मेरा काम QR तक लेन देन का है, उसके बाद क्या चाय पी लो गाइस, नहीं तो आपके सामने पिट जाएगा, मुझसे कोई फायदा नहीं है कि मैं इसको 2-4 चाटे लगाऊं और तुम देखो सुबह सुबह रोए। भारतीय नारी है, कुछ भी कर सकती है। अब आईपैड लेने कौन जा रहा है? नहीं जाऊंगी, मेरी मजबूरी। तो आज मैं गुड्डू को अपने जिम लेके जा रही हूँ, मतलब आज गुड्डू के जिम, मतलब जो हमारे घर के पास वाला जिम है वहीं जा रही हूँ, दूर नहीं जा रही हूँ। कह रहा है और कह रहा है कि आज मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। मैंने कहा चल देखती हूँ क्या पत्थर तोड़वाता है। मेरी मम्मी किचन साफ कर रही है क्योंकि दिवाली आ रही है, और भगवान जी को जय करो, भगवान जी जय। सारे बच्चे दिवाली पे अपनी मम्मी की हेल्प कराते हैं, हम दोनों इतने नकारा है, चल दीजिए। नकारा कह रहा है, होई मम्मी भी कह रही है होई। मैं जिम, और मैं अपने जिम में ऐसे ही मतलब बिना एसी के करता हूँ क्योंकि इस टाइम जिम बंद होता है, और एसी चला दो ना तो जो लोग होते हैं वो भी बोलते हैं कि भैया आप चला, मुझे एसी चाहिए, एसी एक है। एक एसी चलना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ घर। कोई गुड्डू ने एक्सरसाइज कराई जस्ट कि मेरे तो अभी से पंप हो गई, खतरनाक चुभने लग गया। मैंने उसने क्या करा, ऐसे करा मैंने, मेरे दर्द होने लग गए। शाबाश, पहली बार भाई बहन को मैंने वर्कआउट करते हुए साथ देखा, हमने कभी वर्कआउट साथ में करा नहीं है। मैंने सोचा जब अपना भाई है, मैं वैसे भी किसी से सपोर्ट नहीं देती, तो अपना भाई है तो अपनी वर्कआउट को और अलग लेवल पे लेके जाऊँ उसके साथ, कि ये मेरे को कराए एक्सरसाइज। शेर बोल, अच्छा
फनी कॉलर में, ओहो शाबाश। क्या कर रही हो दीदी आप, ये वेट है कोई? अबे मत कर, मेरे को वेट नहीं मारना। चलो शाबाश। ये शाबाश। बढ़िया फ्लेक्स करो। ये गरीबों का दिन है क्या है? ऐसे नहीं सोचा। वर्कआउट करके बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। हमारे साथ तो जिम हो चुका है। आ जाए दीदी को जिम करने में मजा आया नहीं आया? जाएंगे घर, मम्मी ने सफाई के चक्कर में कुछ बनाया नहीं होगा। मम्मी से गाली खाएंगे, मम्मी के ऊपर चिल्लाएंगे पहले, फिर बुरा लगाएंगे या अपने आप को ही कि क्यों चिल्लाया मम्मी के ऊपर, मम्मी को ऐसा क्यों बोला। कहाँ से नेपाली उठा लाई मेरी माँ? मेरे आँखें बड़ी हैं प्लीज। तो हमें बताओ किसकी दाढ़ी ज़्यादा अच्छी, मेरी या दीदी? मेरी होगी ऑलवेज। मुझे सुबह यही बात कही थी कि आपको वर्कआउट के बाद छोले भटूरे खिलवाऊंगा। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। वही हो गया, छोले भटूरे लाने को कह दिया मम्मी ने, कि मम्मी दिवाली की सफाई कर रही है तो किचन की सफाई हो रही है तो मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी नहीं। मेरे साथ हमेशा यही होता है, कोई मेरे साथ वर्कआउट करने आता है मैं उसे उसके बाद छोले भटूरे खिला के भेजता हूं। मैं तो छोले भटूरे खाऊंगी नहीं, मैं अपना देखती हूं, लेकिन अभी हम छोले भटूरे खाते हैं। ऐसे कैसे चलेगा, तू खाना खाने के बाद छोले भटूरे खाने आ गया? हाउ विल इट वर्क? भटूरे खाने के लिए अब यहां पे छोले भटूरे खरीदेंगे, ये लोग भी खा ली है। ये देखो सब छोले भटूरे खाने के लिए बैठे हैं, छोले भटूरे खाने वर्कआउट। और हम तो खाएंगे जी, हम तो खाएंगे। छोले भटूरे आ गए गाइस। ये टी शर्ट मेरी है, बैग मेरा है, और मैं शौक से लगता भी नहीं, मैं स्कूल में टेंथ के बाद बैग लेके नहीं गया हूँ। ये बैग टांग रखा है ना, ये तोहीन है, मैं नहीं लेता बैग। बैग लेंगे क्या? हमारे पीछे चलने वाले लेते हैं बैग, हम नहीं ले। तेरा मेरा रिश्ता खत्म हाथ से। गेट खोल नहीं रहे, खड़ी हुई इसका लेके भाई आ जा ले ले इसे। तो भाई खाना लगा लेते हैं। देखो बटू रही है, लेकिन मैंने अपनी मम्मी से अपने लिए चावल लगा लिया कि भाई हम अपना चावल खाएंगे अच्छे से, और मम्मी के में से एक दो बटूरे में से बाइट ले लेंगे, क्या हो जाएगा उसमें। भाई लगा ले खाना, चल मैं आ जा। एक हमारी फॉलोअर ने कहा था कि खाना ऊपर बैठ के नहीं खाते, तो आज हम सब नीचे खाना बैठ के खा रहे हैं। ये थोड़े से चावल है, आधा बटूरे हम भी खा लेंगे, चख लेंगे। मुझे थोड़ी सी गलती हो गई, मुझसे मेरा 15 प्रो मैक्स टूट गया, और इसके भी इंश्योरेंस है तो ये मिल जाएगा।
गुड्डू पैसे मिले, पैसे कुछ गिरा तो ये 15 प्रो मैक्स टूट गया। वो तो 2 साल की इंश्योरेंस तो मिल जाएगा, तो हम पूछने आया कि ठीक हो जाएगा कि नहीं, या फिर नया फोन मिलेगा कि नहीं, और पैसे भी मिलेंगे। क्या पता लगा है कि हमें एप्पल स्टोर जाना पड़ेगा, पता लगेगा रिप्लेस होगा या रिपेयर होगा। बैडमिंटन टाइम गर्ल्स, ओ सॉरी गाइस, हमारे 2 बैडमिंटन थे 2 जोड़ी, ये मैडम टूटे हुए ले आई। इनके भरोसे कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए, इनके भरोसे इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए, किसी दिन खो खो आ जाएंगी। ले वापस रखा ही नहीं, दूसरे लेके आ, बाय। खेल चुके हैं, गूगल मिट्टी मिट्टी हो गई, ये हालत देख लो, बिल्कुल सही बैडमिंटन था, गुड्डू नया लिया था उसका, इस कुत्ते ने ये हाल करा है। क्या करें, जान ही इतनी है, खून गर्म है ना। तो बैडमिंटन में पहले निकालना होता तो हमने आके खेल लिया, पूरे मुंह पे मिट्टी मिट्टी हो गई, जैसे शटल उठाओ सारी मिट्टी में, वैसे ही मिट्टी के रंग की है। क्या भागे जा रहे हैं बता दे, मैं ये बोलने के बाद थप्पड़ पड़ सकता था ना, अम्मन मानना जी। तो गंदा पसीने में क्यों है तू, क्या नॉनवेज खाता है क्या? अंडे। आँख मत मार, आँख देखने लायक नहीं छोड़ूंगी अगर तूने अंडे खाए तो। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपना बहुत सारा प्यार देना। और ये कुत्ता पता नहीं क्यों घूम रहा है इसे ले लेके, कुत्ते भी इससे अच्छे होते, पता नहीं ये कहाँ से मेरे घर में आ गए, लेकिन आप ऐसे ही प्यार दे। तू थोड़ा कल से नंगा है मैं बोलूँ या फिर ये दिया में ऐसे ही, ये सिनेमैटिक है। थैंक यू, कुत्ते तो पिटेगा।